हेलो एवरीवन, आज हम एक्विजेटम हाई मेल पढ़ने वाले हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर की बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें कि यूरिन स्टोर होता है। तो इसका कॉमन नेम है स्क्रॉइंग रश और इसकी जो फैमिली है एक्विजिटेसी। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? पहले तो सीवियर डल पेन इन दी ब्लैडर, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ठीक है, पेन होगा बहुत तेज से एज़ फ्रॉम डिस्टेंसन। जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाएगा यूरिन से, उस टाइम और दर्द होगा और यूरिन करने के बाद भी वो दर्द रिलीफ नहीं होगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट एंड इनटॉलरेबल अर्जिंग टू यूरिनेट, बार बार और वो रोक नहीं पाएगा यूरिन एक्विजेटम के पेशेंट। ओके, विथ सीवियर पेन एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन करने के टाइम भी बहुत ज़्यादा पेन होगा और ऐसा बर्वेरिस वल्गैरिस अर्सा पेरिला और थूजा में है। ओके, देन नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट डिज़ायर टू यूरिनेट, बार बार उसको इच्छा होगी यूरिनेट करने की, टॉयलेट करने की। देन लास्ट क्वान्टिटी ऑफ क्लियर वाटर यूरिन होगा पेशेंट को। ओके, विदाउट रिलीफ, यूरिन तो पास होगा लार्ज क्वांटिटी में लेकिन रिलीफ नहीं मिलेगा यूरिनेशन के बाद भी। और अगर पेशेंट को स्कैंटी यूरिन होता है, मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, कम यूरिन होता है, तो ऐसे में एपिस मेल और कैंथेरिस चलता है। ओके, देन नेक्स्ट है शार्प बर्निंग कटिंग पेन इन यूरेथ्रा वाइल यूरिनेटिंग, यूरिन में तो डायरेक्टली बर्निंग नहीं होता है लेकिन यूरेथ्रा में बर्निंग बहुत होता है एक्विजेटम के पेशेंट को। वो कैसा होगा? एकदम तेज से जलन होगा, कटिंग टाइप पेन होगा। देन नेक्स्ट है पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर इन ओल्ड वुमेन, अगर पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर हो गया है ओल्ड वुमेन में देन एक्विजेटम चलता है। देन नेक्स्ट है एनेरोसिस डायूरिना एट नॉक्चुरा, मीन्स होता है कि जो बेड वेटिंग होती है, जो टॉयलेट कर लेता है पेशेंट नाइट में। ओके, और वो इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, वो टॉयलेट को रोक नहीं पाता है। ओके, ऐसा चिल्ड्रन में होता है जनरली। देन प्रफ्यूज वाटरी यूरिन होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन होगा। और वेयर हैबिट इज़ द ओनली असर्टेनेबल कॉज, जिसका कॉज होता है पेशेंट को आदत ही हो जाता है, या तो चिल्ड्रन को आदत हो जाता है रात में यूरिन करने का और वो इनवॉलेंट्री वो रोक नहीं पाता, उसे पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, ये था एक्विजेटम और इसके रिलेशन क्या है। इसको कंपेयर किया जाता है यूरिन के कंडीशन में, जैसे एपिस से, कैंथेरिस से, फेरम फॉस से, पल्सेटिला और स्क्वेरा से। So this is the short description of Equisetum hilum. I hope you like this video. So like, share and subscribe. Thank you friends.